हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमांशी वर्ल्ड। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बिंगो चाट की रेसिपी। फ्रेंड्स, ये चाट जो है बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही डिलीशियस है। इसको आप किसी भी तरीके की चिप्स से बना सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी, लेट्स स्टार्ट इट। तो फ्रेंड्स, बिंगो भेल बनाने के लिए या किसी भी तरीके की जो चिप्स होती हैं इनकी भेल बनाने के लिए, यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिए हैं प्याज। किसी भी तरीके की जो भेल होती है, उस जान होती है, वो प्याज में होती है। जो चटपटा टेस्ट आता है वो प्याज और तरह तरह की सब्जियों से आता है। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी के करीब प्याज ले लिए हैं, एक कटोरी के करीब टमाटर ले लिए हैं, काट के बारीक बारीक काटिएगा। और इसके बाद मैंने यहाँ पे स्वीट कॉर्न्स ले लिए हैं। सब्जियाँ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई सी भी ले सकते हो, कितनी भी ले सकते हो। इसमें बॉयल्ड वेजिटेबल्स भी आप ऐड कर सकते हो और ये वेजिटेबल्स जो हैं इस चाट को हेल्दी भी बना देती हैं। तो बच्चे भी बहुत ही आसानी से बहुत सारी वेजिटेबल्स खा लेंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद इसके अंदर डाल रही हूँ मैं मेयोनीज़। तो यहाँ पर 2 बड़े चम्मच के करीब मैं मेयोनीज़ ले रही हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एगलेस मेयोनीज़ का इस्तेमाल किया है। और मेयोनीज़ की पहले भी मैं रेसिपी बता चुकी हूँ एगलेस मेयोनीज़ की, तो आपको वो देखनी है तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी रेसिपी थी। और इसके बाद मैं इसके अंदर 2 बड़े चम्मच के करीब डाल रही हूँ टमेटो सॉस। तो टमेटो सॉस जो है इससे भी बहुत ही अच्छा टेंगी टेस्ट आएगा। इसके बाद मैं इसके अंदर 1/2 छोटा चम्मच के करीब डाल रही हूँ चिल्ली पाउडर। और ये जो है कश्मीरी लाल मिर्च है, इसमें जो है रंग ज़्यादा होता है और मिर्ची कम होती है। अगर फ्रेंड्स आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हो तो चिल्ली थोड़ी कम भी कर सकते हो। इसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच ओरिगैनो। और यहाँ पे मैंने लिया है इटालियन मिक्स हर्ब्स, ये इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं, तो ये भी 1/2 छोटा चम्मच मैं डाल रही हूँ। और ये देखिए, इस तरीके की ये मार्केट में मिल जाती है बहुत ही ईजीली। और ये नहीं हो तो आप काली मिर्ची डाल सकते हो इसके अंदर, ये वैसे ऑप्शनल है। इससे थोड़ा सा बस जो टेस्ट है वो इन्हेंस हो जाता है। तो ये जो है मसाले हमने सारे इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इसके बाद नमक डाल देंगे इसके अंदर हम स्वाद अनुसार। ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ वेजिटेबल्स के हिसाब से नमक डालना है। चिप्स ऑलरेडी मिर्ची वाली हैं, स्पाइसी हैं और नमकीन भी हैं, तो हमें चिप्स के हिसाब से नहीं, वेजिटेबल्स के हिसाब से मसाले डालने हैं। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये जो है मिक्स रेडी है। इसके अंदर आप किसी भी तरीके की चिप्स डाल सकते हो, बिंगो डाल सकते हो, किसी भी तरीके की लेज डाल सकते हो, किसी भी तरीके की चिप्स डाल सकते हो, पोटैटो चिप्स डाल सकते हो। यहाँ पे देखिए, मैंने इस तरीके की ट्राइंगल वाली चिप्स आती हैं मार्केट में, बहुत ही कुरकुरी और स्पाइसी, ये डाली हैं। और जो आपके बच्चों को पसंद हो उस तरीके की आप चिप्स डाल सकते हो। और आप चाहें तो घर में फ्राइड जो आलू की चिप्स होती है वो भी डाल सकते हो। थोड़ा सा अच्छे से उसको जो टिश्यू पेपर से पोंछ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए उसमें, नहीं तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और इसके बाद इसको हम फटाफट से मिक्स करेंगे। अभी मेरे पास फ्रेश धनिया पत्ता अवेलेबल नहीं था, अगर आपके पास हो तो आप वो इसके अंदर थोड़ा डाल दीजिएगा। और इससे जो है आपका जो जो भेल है वो और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। तो इसको हमें जो है फटाफट मिक्स करना है और इसको सर्व करना है फटाफट से। ये भेल बनाने के बाद आप रखिएगा बिल्कुल भी मत इसको, अगर आप इसको रख दोगे तो ये सौगी हो जाएगा। तो जब आपको खाना हो तभी आप इसको बनाइए और इन्जॉय कीजिए इस टेस्टी डिलीशियस और चटपटी सी भेल को। फ्रेंड्स, इस भेल के साथ आप कोल्ड ड्रिंक्स इन्जॉय कर सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये बहुत ही टेस्टी लगी होगी भेल की रेसिपी और आप ज़रूर बना के ट्राई करोगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा और भी टेस्टी डिलीशियस स्नैक्स की, केक्स की, चॉकलेट्स की, सब्जियों की रेसिपीज़ देखनी है तो मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई हैं, प्लेलिस्ट भी बनाई है, प्लीज़ चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक का बटन क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलती हूँ ऐसे ही किसी बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और फ्रेंड्स, ये कुछ दूसरे वीडियोज़ हैं हमारे चैनल के जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।